हिमज कृषि उपज मंडी की तहलान में जो उपज मंडी है उसमें मौजूद हैं। एक तरफ आप सोयाबीन देख सकते हो, सोयाबीन के ढेर लगे हुए, सोयाबीन की भी आवक हो रही है। दूसरी तरफ जो सरसों है, रायड़ा भी बोला जाता है, कि रायड़े की आवक हो रही है। अभी जो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि आवक जो दोनों ही चीज़ों में कम हुई, खासतौर से जो रायड़ा नया मार्केट में आ चुका है और उसकी आवक कम देखी जा रही है, अब क्या रुका है, क्या हुआ है और रायड़े के क्या भाव चल रहे हैं, इसको लेकर हमारे साथ व्यापारी हैं। भाई साहब आप तो नाम बताइए, आपका क्या है? प्रकाश जारोली। तो प्रकाश जी, अभी रायड़े की आवक कितनी क्या हो रही है मंडी में? आवक एक प्रभावित हो रही है, ब्याह शादी चल रही है, इस कारण से भी है और काश्तकारों को भाव कम मिल रहे, इस हिसाब से वो वेट एंड वॉच में। हाँ, अभी क्या भाव चल रहा होगा? बस नीचे में 44 है, ऊपर में 48.5 गुण 50 है। अच्छा, किराना क्वालिटी 5000 बिक रही है। अच्छा, मतलब अच्छी क्वालिटी है, वो 5000 तक जा रही है। और इधर ये सोयाबीन का? सोयाबीन बिक रही है 4560-70 रुपये, प्लांटों के भाव है 4610 रुपये। तो अभी किसान क्या रोक रहा है कि क्या स्थिति बन रही है रायड़े को लेकर? एक्चुअल में क्या है कि रायड़ा और ये दोनों है वेट एंड वॉच के अंदर है कि चुनाव के बाद माल बेचेंगे। कुल मिला के चुनाव के बाद उनको उम्मीद है कि अच्छा दाम मिल सकता है? यस यस यस। आज की बात करें तो आज मंडी में कितने रायड़े की आवक रही होगी और सोयाबीन की? भाई सोयाबीन की आवक तो 1500-2000 बोरी की आवक थी और रायड़े की सेम ये समझो 1500-2000 बोरी की आवक है। आगे कब तक इसकी बम्पर आवक हो सकती है? रायड़ा कब मार्केट में आ सकता है ज़्यादा? नहीं अभी तो नहीं आएगा क्योंकि ब्याह शादी भी चल रही है। एक अनुमान? अब मुश्किल लगेगी थोड़ा, महीना भर करीब। हाँ, 15 दिन समझ लो, 15 दिन। कुल मिला के जो नया साल आएगा अपना, हिंदू नव वर्ष, तब की उम्मीद है गुड़ी पड़वा के आसपास तक बढ़ सकते हैं आपके? बढ़ सकती है, जब तक भाव नहीं बढ़ेंगे तब तक आपके नहीं बढ़ेगी। समर्थन मूल्य चल नहीं रहा, सब समर्थन मूल्य की वेट एंड वॉच में पड़े हुए हैं, खासकर लोग सब समर्थन मूल्य में लगे हुए हैं। समर्थन मूल्य बढ़ जाएगा तो फिर बेचेंगे, इसलिए क्या वेट एंड वॉच के अंदर कुल मिला के ये है कि किसान अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। उसका मुख्य कारण यह है कि जो सरकार का MSP लागू नहीं हुआ है, यदि MSP जारी हो जाता है तो उससे किसानों को इतना पता चल जाएगा कि इतना भाव तो सरकार दे रही है और उसे मार्केट में इतना मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अभी जो है सरसों की आवक काफ़ी कम हो रही है और सोयाबीन की जो पुराना स्टॉक है वो भी अभी रुका हुआ है। आने वाला समय बताएगा कि नीमच जो कृषि उपज मंडी है इसमें सरसों की आवक कितनी होगी, कब तक होगी। फिलहाल जो भाव है वो अभी यही है।